सो हेलो एवरीवन, विशाल सैनी दिस साइड। एक बार की बात है, एक इंसान अपने घर से पहाड़ों में जा करके वहां पर थोड़ा विश्राम किया करता था। सुबह उठ के जाता था और वहां उसको शांति मिलती थी। एक दिन की बात है, उसने क्या किया, उसका जो लड़का था वो जिद करने लगा कि पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा उन पहाड़ों। उसने बोला नहीं, आप मेरे साथ नहीं जाओगे, क्योंकि वहां की जो सड़कें थी वो बहुत ज्यादा तंग थी, वहां चलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक साइड में खाई हुआ करती थी, दूसरी साइड में बहुत बड़ी चट्टान हुआ करती थी। सो जब उसने बहुत ज्यादा जिद की उसके बेटे ने, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, आप मेरे साथ चलना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हुई, दोनों उठे और उठने के बाद उसने अपने बेटे को भी उठाया कि चलो बेटा चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़के ने अपने पिता की हैंड को अच्छे तरीके से कस के पकड़ लिया और उसके पिता ने बोला कि आप ध्यान से चलना, क्योंकि वहां की जो सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा तंग है। तो वो पहाड़ पे जाने लगे, चलते रहे चलते रहे, सड़कें तंग थी फिर भी ध्यान से चलते रहे। आगे एक पत्थर था, उस इंसान को पता था कि आगे एक पत्थर है, लेकिन उसके बेटे को नहीं पता था कि एक वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है। और जाकर के उसकी जो पैर हैं उस पत्थर से टकराए और उसने आवाज लगाई, मतलब उसको चोट लगी और उसने आवाज लगाई। जब उसने आवाज लगाई तो उसकी आवाज वहां गूंज उठी। उसने इधर उधर देखा, ये क्या हुआ। ये देखकर उसको लगा कि कोई उसकी नकल कर रहा है या कोई दूसरा उसको ऐसे उड़ा रहा है। तो उसने फिर आवाज लगाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो आवाज गूंज के वापस आई, वहां से आवाज आई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसको बहुत बुरा लगा। फिर उसने आवाज लगाई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर आवाज गूंज के आई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे साथ कोई कैसे बात कर रहा है। तभी उसके पिताजी उसके पास आए और बोला, क्या हुआ बेटा। तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैं आवाज लगा रहा हूं और कोई दूसरा मुझे इस तरीके से बोल रहा है। तो उसके पापा ने बोला कि देखो, फिर उसके पापा ने आवाज लगाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो आवाज गूंज के वापिस आई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उस लड़के ने सोचा कि ये इंसान मेरे साथ कितने गलत तरीके से बात कर रहा था और मेरे पिताजी को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। फिर दोबारा उनके पिताजी ने आवाज लगाई कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। तो आवाज गूंज के फिर वापिस आई, मैं आपके साथ रहना चाहता। तो पिताजी समझ चुके थे कि उसके बेटे के माइंड में चल क्या रहा है। वो समझ चुके थे इस बात को कि ये सोच क्या रहा है। तो बिल्कुल उसके पिताजी ने उनको समझाया कि बेटा देखो, ऐसा ही हमारी लाइफ के अंदर होता है। जैसा हम किसी के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही हमें उल्ट के रिस्पॉन्स मिलता है। सो अगर हम किसी दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो दूसरा भी हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा। सो ये हमें सीखने को मिलता है यहां से। फिर उस लड़के ने क्या किया, जोर जोर से आवाज लगाई, मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूं। और आवाज गूंज के वापस आई कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूं। सो इसी तरीके से अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं, लोगों से अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं, तो आप लोगों के बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट कर दें, ना कि उनके बारे में गलत बोलना। अगर आप दूसरों के बारे में गलत बोलोगे तो आपको भी अपने बारे में गलत ही सुनने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।